हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप का डिफिनीशन, पार्टनरशिप डीड क्या है और उसके कंटेंट क्या है ये बताया था, और ये भी बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल ना हो, उपलब्ध न हो, तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस का यूज करते हैं डिस्प्यूट को सेटल करने में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, यानी कि लाभ हानि विनियोजन खाता के बारे में। परिभाषा के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है, जिसे हम लाभ या हानि को साझेदारों के बीच बंटवारे के लिए बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस बिटवीन पार्टनर्स। अब फीचर्स के तौर पे कहें हम, तो फीचर्स डिफिनेशन से ही निकल के आता है। तो सबसे पहला तो हो जाएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। अर्थात इसके डेबिट में जितने भी जो खर्चे टाइप के होते हैं उनको लिखा जाएगा और जो भी इनकम होंगे उनको क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विस्तार मात्र है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस बिटवीन पार्टनर्स, यह साझेदारों के बीच लाभ हानि के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इसके डेबिट में क्या लिखा जाता है, क्रेडिट में क्या लिखा जाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट में लिखा जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व को डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डिफिनीशंस और फीचर्स। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी नोट कर सकते हैं या मैं लिख ही देता हूं। तो ये है आपके डिफिनीशन और फीचर्स। अब इसके बाद हमारी बात आती है कि हम बनाते कैसे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में साझेदार से संबंधित, यानी कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं, ऐसी चीजें जिसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, जो चार्ज के नेचर का नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं। तो जो एप्रोप्रिएशन होते हैं साझेदार से रिलेटेड ऐसे आइटम्स जिनको हम एप्रोप्रिएशन कह सकते हैं, उसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और किसको किधर लिखते हैं उसके लिए हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट मैं बना देता हूं। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसके क्रेडिट में मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया है, अगर नेट लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा, तो यहाँ पे टू नेट लॉस लिखा जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने क्रेडिट में लिख दिया है, और ये पार्टनर्स के अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, अगर ए का होगा खाली तो सीधे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर ए लिख देंगे और उसका लिख देंगे। यहाँ पे दो पार्टनर का मैंने शो करने के लिए लिखा है, तो ए और बी दोनों का अलग अलग जोड़ के बाहर लिख देंगे। पार्टनर का अगर सैलरी होगा तो डेबिट में आ जाएगा, अगर पार्टनर का कमीशन होगा तो यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर से मैंने ए और बी अलग अलग दिखा दिया है, उसको जोड़ के फिर बाहर लिखेंगे। रिजर्व फंड अगर होगा तो ट्रांसफर टू रिजर्व फंड को नीचे निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको टोटल करना होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जोड़ लेंगे, जो ज्यादा होगा उसको टोटल में हम दिखा देंगे, और फिर उसके बाद जिधर बैलेंस बचेगा, अगर इधर बचेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, इधर बचेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो बैलेंस निकल के आएगा इसको हम पार्टनर के बीच रेस्पेक्टिव रेशियो जो भी होगा उनका उसमें बांट देंगे। ठीक है, इसी का बंटवारा करते, जो लास्ट में बचेगा उसका बंटवारा कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये है। अब
इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है चार्ज और एप्रोप्रिएशन का, उसका जो प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों है क्या? ठीक है, तो चार्ज जनरली हम खर्चों को बोलते हैं, ऐसे आइटम्स जो कि प्रॉफिट हो लॉस हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खर्चा है आपको देना ही पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन हम उन आइटम्स को बोलते हैं जो अगर प्रॉफिट होता है तो फिर उसका बंटवारा जो किया जाता है, तो जिन जिन आइटम्स के रूप में बंटवारा होता है उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम ही ले रहे हैं, बाकी जो जो भी दूसरे आइटम है पार्टनर के अलावा वाले उन सबको चार्ज ही बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं जितने भी आइटम्स का नाम लूंगा वो सब पार्टनर से रिलेटेड होंगे। अब कौन कौन से आइटम्स यहाँ पे आ सकते हैं आपके पास, तो सबसे पहले तो आप इसी में देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, पार्टनर सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये सब चीजें जो है ना वो एप्रोप्रिएशन है। क्यों? तो ऐसी चीजें जो पार्टनर को मिलनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मिल रहा है, तो वो सब के सब एप्रोप्रिएशन है। जैसे बिजनेस में पैसा लगाना पार्टनर का काम है, ठीक है, बिना पैसे लगाए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, तो पैसा लगाना पार्टनर का काम है, उसके लिए वो इंटरेस्ट की डिमांड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर फिर भी हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो एप्रोप्रिएशन है। उसी तरह बिजनेस में काम करना एक पार्टनर का जो है उत्तरदायित्व है, और उसके लिए वो किसी अलग से पैसे की डिमांड नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो वो दोनों भी एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन क्या नहीं है, तो पार्टनर का फर्म को अपना मकान देना किराए पर, ये उसका दायित्व नहीं है, तो उसके लिए वो रेंट की डिमांड कर सकता है, तो इसीलिए ये चार्ज है। पार्टनर से रिलेटेड होने के बावजूद इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ले जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह लोन अगर पार्टनर कोई दे रहा है फर्म को, तो उसका देना उसकी जिम्मेवारी नहीं, उसने पैसा लगा दिया कैपिटल के रूप में फर्म में और लोन देना उसका जिम्मेवारी नहीं, तो लोन अगर दे रहा है तो उस पर वो इंटरेस्ट अलग से मांग सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी फर्म के लिए चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो ये पार्टनर से रिलेटेड सिर्फ ये दो आइटम जो है वो चार्ज कहे जाते हैं, बाकी जितने भी आइटम है वो ज्यादातर एप्रोप्रिएशन है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, चार्ज में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल टू अ पार्टनर, ये दो चीजें चार्ज में है, और बाकी सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जो है वो एप्रोप्रिएशन है। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया, अब इसके जो डिफरेंस है वो मैं लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा चार्ज में क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन क्या है, ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी। तो ये है आपका डिफरेंस, इसमें पहला मैंने आपको लिखा है मीनिंग, इट मींस एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, मतलब क्या है कि चार्ज का मतलब होता है खर्च जो कि बिजनेस के इनकम में से घटाया जाता है, बिजनेस के रेवेन्यू में से घटाया जाता है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का बंटवारा, साझेदार को हम किस रूप में दे रहे हैं, या फॉर्म में ही उसका कुछ अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व होता है। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायरमेंट। अब चार्ज जो है खर्च है, तो खर्च में हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमको लाभ नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं दे सकते हैं आपको, हमको वो हर हालत में देना पड़ेगा। कैसे लगेगा कि एक इंप्लॉय को हम रखें, इंप्लॉय को बोल रहे हैं कि भाई इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया है, तो तुम लोग ऐसे ही इस महीना काम चलाओ, एम्प्लॉय सीधे मना कर देगा, कहता है कि पैसा देना होगा आपको। वही चीज है एप्रोप्रिएशन के केस में, हम ऐसा कह सकते हैं। पार्टनर्स को हम जनरली लाभ में से हिस्सा देते हैं, तो पार्टनर्स को कहा जा सकता है कि इस पर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, तो पार्टनर्स मान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फर्म के प्रॉफिट से मतलब है, फर्म को प्रॉफिट अगर हुआ नहीं, वो अगर वैसे निकाल लेगा तो फर्म आगे भी नुकसान में रह जाएगी, ये सोचता है पार्टनर, फर्म के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय हम रखते हैं, किसी से लोन लेते हैं, उसको इससे मतलब नहीं कि फर्म चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको मतलब है सिर्फ अपने पैसे से। ठीक है,
पैसा दीजिएगा काम करेगा, नहीं दीजिएगा काम खत्म, ठीक है। ऊपर से जबरदस्ती पैसे मिलेगा। उसी तरह बैंक को आप कहिए कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, डिफॉल्ट होगा, आपका एनपीए में डाल देगा अकाउंट, जब्त कर लेगा सारा संपत्ति। तो ये सब चीजें जो हैं बैंक एम्प्लॉय ये सब नहीं समझेंगे, इसीलिए इनका जो है आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन के केस में आप ऐसा कह सकते हैं, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लॉस होगा तो देने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग तो चार्ज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जितने भी खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। डेबिट में जब बनाते थे आपको याद होगा, अगर डेबिट में सारे खर्चे हम दिखाते थे, क्रेडिट में सारे इनकम दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहां पे जो भी अप्रोप्रिएशन होगा यानी पार्टनर से रिलेटेड ऐसे खर्चे जिसका कि लाभ होने पे ही दिया जाएगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो दोनों में दिखा दिया। अब एग्जांपल के तौर पे इसमें है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर, और इसमें है पार्टनर सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो ये है चार्ज और अप्रोप्रिएशन। अब इससे एक रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ जाए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका की अनुपात जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है, ठीक है। ए ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, बी ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया है। ए का जो लोन है वो फॉर्म को मिला है 1 लाख रुपए, यानी कि ए ने 1 लाख रुपए फॉर्म को लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% दिया हुआ है। बी को सैलरी मिलना है 2500 पर मंथ। आपको यहाँ क्वेश्चन में 2500 पर मंथ दिया हुआ है, एनुअल भी दिया हो सकता है। प्रॉफिट अर्न बाय फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट इज 1,50,000, ठीक है। एक आइटम रह गया है, ट्रांसफर टू रिजर्व है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1,50,000। तो प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 का। तो वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट जो हमारा दिखाया हुआ है वो 1,50,000 का है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों घटाएंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर कुछ नहीं भी दिया होता है तो हम 6% प्रतिवर्ष यानी 6% पर एनम का रेट से ब्याज देते हैं। तो लोन कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6%, 6,000 रुपये हम इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा। तो जो प्रॉफिट हमारा बचा 1,44,000। तो ये जो आप करेंगे जब भी चार्ज, अगर क्वेश्चन में कुछ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा और उसमें चार्ज दिया होगा तो आप उसको बाहर घटाएंगे, अंदर नहीं, बाहर घटाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो ये छूट गया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है प्रॉफिट निकालने में, तो इसलिए हम इसको वर्किंग नोट में घटा ले रहे हैं। अब ये जो प्रॉफिट बचा इसको हम यहां पर लिख देंगे, बाई नेट प्रॉफिट 1,44,000, 1,44,000। इसके बाद हम जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास अप्रोप्रिएशन में क्या है? तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो यहां पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। ए का कैपिटल है 1 लाख, उस पे 5%, 5,000। इसको भी आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैलकुलेशन है इसलिए मैंने वर्किंग नोट में नहीं दिखाया, आप वर्किंग नोट में दिखा लीजिएगा ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और बी का कैपिटल है 2 लाख एट द रेट 5%, तो 10,000 का इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक, टोटल 15,000 हो गए। उसके बाद टू बी का सैलरी कह रहा है, बी का सैलरी है हमारे पास 2500 पर मंथ, यानी कि पूरे साल का 2500 × 12। यहां पे आपको अगर पर ईयर दिया रहता तो 12 से गुना करने की जरूरत नहीं है, तो 2500 × 12 यानी कि
30,000। आगे एक लाइन कहा हुआ है कि जो ट्रांसफर टू रिजर्व है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रिजर्व में आपको दो लाइनें दे सकता है, एक आपको सीधे कहेगा 10% ऑफ प्रॉफिट और सीधे कहेगा 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इन दोनों लाइनों का अलग अलग मीनिंग है। अगर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट या सीधे प्रॉफिट देगा तो आपको इसका ये जो प्रॉफिट अर्न है ऊपर जो दिखा रहा है उसका 10%, यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है उसका 10% हम ट्रांसफर कर देंगे सीधे कैलकुलेट करके। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह रहा है तो यानी कि ये जितने भी दूसरे अप्रोप्रिएशंस हैं रिजर्व के अलावा वाले उनको पहले आपको घटा लेना है, फिर जो बचेगा उसका 10% रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने का। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में 1,44,000 माइनस 30,000 सैलरी का और माइनस 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये दोनों घटाने के बाद हमारे पास बचता है 99,000। ठीक है, 99,000। अब इसका रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व 99,000 इंटू 10% आ जाएगा 9,900। तो टू रिजर्व फंड 9,900। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद हम टोटलिंग कर लेंगे दोनों तरफ, जो ज्यादा होगा उसको टोटल में लिख लेंगे। तो 1,44,000 ज्यादा है, 1,44,000 ज्यादा है। अब यहां पे जो बैलेंस निकलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्योंकि इधर कम है, तो इसको घटाएंगे तो 1,44,000 में से इन सबको घटाने के बाद 99 आया था, इसमें से इसको घटाएंगे तो 89,100। अब इसको हमको बांट देना है 5:3 के रेशियो में, तो ए और बी, तो ये आ गया हमारा 33,412.5 और 55,687.5, 33,412.5 एंड 55,687.5। इन दोनों को जोड़ेगा तो 89,100 आ जाएगा। तो इस 89,100 को हमने 5:3 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आ सकता है आपको कि हो सकता है ये प्रॉफिट उतना ना हो जितना कि इधर अप्रोप्रिएशन है। इसको हम बोलते हैं कि व्हेन अप्रोप्रिएशन इज या अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम कि जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतना ही पैसा अप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन आपको इतना बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि अब जैसे तीन चीजें हैं, तीन आइटम है ना, इस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होने से पहले तीन आइटम्स है, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे कि इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। इन तीनों का रेशियो निकालेंगे किसके कंपैरिजन में, तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट है हमारा 40,000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 60,000 और सैलरी देना है हमको 40,000। टोटल प्रॉफिट हमारा 40,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 देना है और सैलरी 40,000 देना है। तो देखा जाए तो हमको देना है 1,00,000 रुपया, लेकिन अवेलेबल कितना है मेरे पास, मात्र 40,000। उस तरह का भी अगर मैं क्वेश्चन लेना चाहूं तो मैं आपको बता देता हूं, एक इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं जिससे आपको वो भी समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ए का कैपिटल मैंने आपको दे दिया 3,00,000, बी का कैपिटल है 5,00,000 और सैलरी है 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी कितना निकल जाएगा, 1,20,000। सैलरी हमारा निकलेगा 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल जाएगा 30,000 ऊपर वाले का और 50,000 नीचे वाले का। टोटल हमारे पास अप्रोप्रिएशन हो गया 2,00,000 का, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 1,00,000। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे, हमारे पास प्रॉफिट है 1,00,000 और अप्रोप्रिएशन है 2,00,000 का, तो यानी कि 1:2 हो गया, 2 रुपए के बदले में हम 1 रुपया दे सकते हैं। तो हम यही रेशियो का यूज करेंगे यहां पर, मतलब 1,20,000 में
1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 60,000 का सैलरी दे देंगे, इसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, और 1 बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को मिल जाएगा। तो हम उतना ही अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट है 1,00,000, उसकी तुलना में हमको देना है पैसा 2,00,000, यानी कि आधा पैसा ही दे सकते हैं, मात्र 50% दे सकते हैं, तो उसी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अगर रेशियो कुछ और आता, ये मान लीजिए 1:3 आता, तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो वो उसी तरह से कैलकुलेट हो जाता। तो यहाँ पे 1/2 निकला है, तो 1,20,000 की जगह पे हम 60,000 देंगे, 30,000 की जगह पे 15,000 देंगे, और 50,000 की जगह पे 25,000 देंगे, तो बाद में प्रॉफिट निल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1,00,000, और जो भी आइटम हमने ये निकाला है ये अमाउंट के साथ लिख देंगे, सैलरी 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 15,000 और बी का 25,000, बराबर हो जाएगा हमारा हिसाब किताब। तो इस तरीके से जब अप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं प्रॉफिट से तो उसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो या इस कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप YouTube में कमेंट कर सकते हैं, आप Instagram पेज पे, Facebook पे या Telegram चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।